Coal एंड पेट्रोलियम इन वन shot पूरा एक ही shot में पूरा का पूरा चैप्टर में आपको डिटेल में कवर करवा दूंगा बहुत ही भौकालिक लेवल पे हम इसको कवर करेंगे तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि सुनील सर आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा एनसीआरटी से वो डिफरेंट होगा और वो करेक्ट है ठीक है दूसरी बात हम बात करेंगे कोल उसके टाइप्स एंड दोसेस ऑफ फॉर्मेशन इसका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में वहां पर भी मिसकंसेप्शन एनसीआर में गिवन है कार्बोनाइजेशन टर्म यूज कर रखी है ऐसा नहीं होगा मैं वो करेक्ट टर्मिनोलॉजी और प्रोसेसिस बताऊंगा आगे चलते हैं उसके बाद क्या बात करेंगे सुनील सर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग उसके बाद प्यारे प्यारे सुनील सर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक फॉर्मेशन आप लोगों को यह नहीं पता होगा बट प्लास्टिक जो है वो आपका पेट्रोलियम से ऑप्टेन होता है और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बहुत मजा आएगा आप लोगों को तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस प्यारे सुंदर से सेशन को सो किस से स्टार्ट करेंगे सुनील सर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो पहला जो टर्म है हमारे लिए यहां पर जिसपे हमें स्ट्रेस डालना है नेचुरल रिसोर्सेस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज सुनील सर आप अच्छी तरीके से हमें डिटेल में बताइए तो आओ प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं देखिए नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा ऐसे रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एंड आर एग्जिस्टिंग विदाउट द एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड मतलब क्या है भाई ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं पर वो रिसोर्सेज हमने नहीं क्रिएट किए वो नेचर में ऑटोमेटिकली ही प्रेजेंट है जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर दू तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल की वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास है कोल क्या कोल आपने और मैंने अपने घर पर बनाया था नहीं बनाया था भैया है ना नेचुरली बना है पर हमारे लिए जरूरी भी बन चुका है अब क्यों बना है कैसे बना है सब बात करेंगे दूसरी बात पानी पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उसके बाद हम बात करेंगे किसकी सैंड की तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं जो नेचुरल रिसोर्सेज है जस्ट लाइक एयर हो सकती है सोलर एनर्जी हो सकती है तो ये सारी चीजें जो क्या है बेटा ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन या विदाउट दी एफर्ट ऑफ ह्यूमंस हमारे एफर्ट के बिना ही वो प्रेजेंट है और उनके बिना जीना इंपॉसिबल है हमारे लिए दोज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस मजे की बात जिस तरीके से क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपकी बुक में नहीं है और मैं बता रहा हूं जो मैं बता रहा हूं वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बहुत सारे मिसकनसेप्शन आज आपके क्लियर होंगे ध्यान रखना चलो तो नेचुरल रिसोर्सेस का गेम और फंडा क्लियर है आगे चलते हैं अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहला होता है इन एग्जॉस्टिबल क्या मतलब है इन एग्जॉस्टिबल का सुनील सर बताइए देखिए एग्जॉस्टिबल टर्म खुद बता रहा है कि जो एग्जॉस्ट ना हो जो खत्म ना हो है ना उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस so they are present in infinite amounts and cannot be depleted or exhausted by human activities are known as inexhaustible resources example ध्यान से सुनना मैंने फ्रेश वाटर नहीं लिखा है मैंने सिर्फ वाटर लिखा है गलत गलतफहमी में मत रहना कि सुनील सर आपने हम तो पानी बचाओ का आंदोलन चलाते हैं बिल्कुल चलाते हैं बेटा क्या वो ये पानी जो हम नॉर्मल वाटर है ना फ्रेश वाटर उसके बारे में बात कर रहे हैं ओवरऑल वाटर 75% अर्थ पे पानी है उसमें सॉल्ट वाटर भी तो है है ना वॉटर एयर सोलर एनर्जी ये सारी चीजें क्या इनएक्टिवल है अब एक दिन क्या हुआ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था ठीक है यही चीज पढ़ा रहा था एक बच्चा कहता है कि सर मान लीजिए आपने बोला सारा पानी तो अर्थ पे 75 परसेंट पानी है 25 परसेंट आपका लैंड मान लेते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो बच्चा कहता है कि सर अगर ऐसा करूं कि मैं सारा का सारा पानी पी जाऊं मैंने कहा वाह बेटा ताली बजाने का बड़ा दिल से मन कर रहा है सारा पानी तुम कैसे पी जाओगे तुम दिन में कितने गलास पानी के पीते हो बच्चा कहता हूं मैं तो तीन ग्लास पीता हूं मैंने कहा बेटा अगर तू तो ऐसे हजार बिलियन ईयर तक भी तीन ग्लास पानी पीता रहना तो भी नहीं खत्म होगा कहता सर मैं नहीं हम सब मिलकर पियेंगे मैंने कहा बेटा सब पागल नहीं है सॉल्ट वाटर आप कैसे पियोगे ठीक है उसमें से आपको सारी इंप्योरिटीज निकालनी पड़ेगी है ना एम जी सी टू सी ए टू एन ए भी निकालना पड़ेगा फिर वो पानी पियोगे बहुत महंगा पड़ेगा कहते हैं सर शिकंजी बनाने के पी लेते हैं तो बेटा ऐसे चीजों में मत पड़िए क्वेश्चन पूछे अच्छी बात है लेकिन ये आपका क्या है मिसकंसेप्शन था यहां पे ठीक है तो ये क्या है टोटल ओवरऑल वाटर की बात करो ओवरऑल वाटर ऑन अर्थ है ना ओवरऑल वाटर ऑन अर्थ मैं यहां पर सॉल्ट वाटर भी कंसीडर कर रहा हूं और सॉल्ट वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए दैट इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन बॉडी तो फिर 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 आगे चलते हैं और चीजें क्लियर करते हैं दूसरी होती है एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है एग्जॉस्टेड by ह्यूमन एक्टिविटीज ध्यान से सुनना अभी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यानी जिसको हम अगर हमारी जो एक्टिविटीज है उनको हम अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उनसे इन सारी रिसोर्सेज को खत्म कर सकते हैं इसके दो टाइप्स हैं। ध्यान से सुनना इसके दो टाइप्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पहला टाइप क्या है इसका रिन्यूएबल अब रिन्यूएबल क्या होती है बिल्कुल ध्यान से समझना देखो रिन्यूएबल का मतलब होता है कैन बी रिन्यूड ऑन ह्यूमन टाइम स्केल तो देखो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस के एक टाइप है रिन्यूएबल मतलब कि ह्यूमन टाइम स्केल पे वो रिन्यू हो जा रही है रिन्यू हो जाने का मतलब क्या होता है मान लीजिए जो आपका रेट ऑफ कंजम्पशन था रेट ऑफ कंजम्पशन जो था एंड यूजेज जो था ठीक है ना अब आप किसी स्पीड पे इस चीज को इस रिसोर्सेस को यूज कर रहे थे जैसे आपका हो गया फ्रेश वॉटर आपका हो गया सॉइल है ना मान लीजिए एक रीजन की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो गई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो सकती है फर्टाइल भी हो सकती है ठीक है फ्रेश वॉटर फ्रेश वॉटर वो होता है जो हमारे कंजम्पन के लिए फिट होता है और फ्रेश वॉटर में क्या होता है फ्रेश वाटर में भी एक टाइप होता है पोर्टेबल वाटर दैट इज फॉर द ह्यूमन बॉडी फ्रेश वाटर कितना परसेंट अवेलेबल है ऑफ टोटल वाटर का टू पॉइंट फाइव परसेंट ही फ्रेश वाटर है उसमें भी सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है इसीलिए आपको बोला जाता है कि पानी बचाओ पानी की किल्लत है पानी को यू, वाइजली यूज करें क्यों क्योंकि वो रिन्यूएबल तो है बट वो एग्जॉस्टिबल है एग्जॉस्टिबल का मतलब आपकी एक्टिविटीज अगर क्या आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हो आप वाइल्ड यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको खत्म कर सकते हो बट ये रिन्यू भी हो जाती है कैसे रिन्यू कैसे होती है ह्यूमन टाइम स्केल पे ह्यूमन टाइम स्केल का मतलब क्या हो गया एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये रिन्यू हो जाती है जैसे बारिश होती है वो फ्रेश वाटर का एक रिसोर्स है है ना तो बारिश का मौसम आता रहता है मानसून आता है, बारिश आती है वो पानी जो है ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है कुओं में पानी आ जाता है सो दैट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट दैट इज ऑल्सो एग्जॉस्टेबल बात समझ में आई तो ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन एंड यूज है ना तो रिप्लेनिशमेंट हो जाता है रिप्लेनिशमेंट मैनेजेस और बैलेंसेस दिस जो आपका रिप्लेनिशमेंट है वो इसको बैलेंस कर लेता है इसीलिए रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं तो फ्रेश वाटर और सॉइल आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेस अच्छा अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं दैट कैन नॉट बी रिन्यूड ऑन द ह्यूमन टाइम स्केल इसका मतलब क्या है देखो रिन्यू ये हो जाते हैं रिन्यू ये भी होते हैं लेकिन ये जो है एक ह्यूमन टाइम स्केल का मतलब है कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये हो जाते हैं इनको मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं जैसे मान लो आज में पैदा हुआ ठीक है अब मैं पांच साल का हूं मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर रीजन में ठीक है ड्राउट कंडीशंस आ गई हैं ठीक है ठीके? बट फिर मैंने देखा थोड़े टाइम बाद बारिश वारिश पड़ी वहां पर जो पानी का लेवल है बढ़िया हो गया है ना तो मैंने पांच छह साल के अंदर देखा कि वो एरिया वापस नॉर्मल हो गया है ना फ्रेश वाटर का जो आया वहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़िया हो हो गया गया सब कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है है दैट्स मैंने बोला रिन्यूएबल जो ह्यूमन टाइम स्केल पे हम ऑब्जर्व कर सके फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वो हो में रिप्लेनिश हो जाए अब ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में रिप्लेनिश होता है क्या इसको मिलियंस ऑफ इयर्स लग रहे हैं जब तक तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा अब कोल बनने में मिलियस ऑफ इयर्स लग रहे हैं मैं जिंदा रहूंगा क्या तब तक तो हम इसको ह्यूमन टाइम स्केल पे रिलेटिवली मेजर करते हैं कि भाई जितने टाइम में ऐसा हो सकता है कि इंसान जिंदा रहे तो मैक्सिम उसको ले सकते हैं सौ साल तक ठीक है कि उतने टाइम तक जिंदा रहेगा उसमें replenish हो है नहीं इसको तो मिलियंस ऑफ ये रिप्लेनेस हो जा रहा है तो रिन्यूएबल क्या है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये मिसकनसेप्शन सबको है ये दोनों को अलग कर देते हैं ये दोनों को अलग कर देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये इसके अंडर में ही आते हैं आई होप आपको टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है प्यारे बच्चों सभी को यह समझ में आ गया है तो नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल आपके कोल पेट्रोलियम यानी जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे वो यहां पर नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल के टाइप्स होंगे ठीक है अब इनका जो रेट ऑफ कंजन यूजेज है और जिस रेट पे ये रिप्लेनिश होते हैं वो कभी भी बेटा बैलेंस नहीं हो सकता इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक है तो आई होप मैं आपका मिसकनसेप्शन क्लियर कर पाया हूं आगे चलते हैं एक क्वेश्चन को यहां पर फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक है सो क्वेश्चन so, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है स्क्रीन को पॉज करिए आंसर करने की कोशिश करिए ठीक है क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब एग्जॉस्टिबल है साथ में रिन्यूएबल है एग्जॉस्टिबल का कौन सा टाइप रिन्यूएबल अब देखो पेट्रोलियम ए पेट्रोल नहीं कोल नहीं पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है पेट्रोलियम से पेट्रोल ऑप्टेन होता है ठीक है समझ में आ रही प्यारे बच्चों नेचुरल गैस नहीं आंसर होगा क्या फॉरेस्ट अब आप कहोगे सर फॉरेस्ट एग्जॉस्टिबल तो है भाई मेरा मन किया मैं सारे फॉरेस्ट हम सारे ह्यूमिल सारे पेड़ काट देंगे सारे प्लांट उखाड़ देंगे

अब बात करेंगे कोल उसके टाइप्स एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को एनसीआर से चीजें डिफरेंट होने वाली है पर लॉजिक मिलेगा हर चीज के पीछे तो कोल उसके टाइप्स एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि माना जाता है कि आज से 200 से 300 सौ मिलियन ईयर्स पहले ये जो टाइमलाइन है इसमें मैं कहा जा रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 200 टू 300 मिलियन ईयर्स पहले है ना है ना इतने साल पहले अगो है ना इतने साल पहले जो आपकी कंडीशंस थी है ना अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस थी उसमें जहां जहां पे कोल पाया जाता है वहां पर क्या थे स्वैम्प्स थे अब ये स्वैम्प्स क्या होते हैं सुनील सर ये स्वयं क्या होते हैं बेटा दे आर वेटलैंड्स अब ये वेटलैंड क्या होते हैं आप शॉर्ट में समझाइए इसको ऐसा समझिए कि जो फॉरेस्ट एरिया है है ना उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है अब वो पार्शली भी प्रेजेंट होता है है ना या वो पूरे साल भी प्रेजेंट हो सकता है वो सीजनली भी प्रेजेंट हो सकता है तो स्वयं क्या होते हैं दे आर लो लाइंग वेटलैंड वेटलैंड या फिर आप ऐसा कह सकते हैं सरल भाषा सरल लैंग्वेज में फॉरेस्ट फॉरेस्ट विद वॉटर है ना सिर्फ इतना आप इसको समझ सकते हैं तो अब इन रीजन में हुआ क्या इन रीजन में क्या हुआ बेटा कि ये जो 200 से 300 साल 200 टू 300 मिलियन इयर्स पहले जो स्वयं थे यानी जो वेटलैंड थी है ना यानी फॉरेस्ट एरिया में साथ में पानी भी अवेलेबल है इन रीजन में हुआ क्या कि जो प्लांट्स थे है ना वो प्लांट्स जो थे वो मर के इस वाटर रीजन में गिरते जा रहे थे है ना अब मान लो कि एक गिरा फिर उसके ऊपर दूसरा गिरा तीसरा गिरा चौथा गिरा ऐसे करते 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 अर्थ के अंदर भी चेंजेस आने लगे जिस वजह से जो प्लांट थे वो सारे के सारे क्या थे एक दूसरे के ऊपर मतलब उखड़ते जा रहे थे और वो लेयर बनाते जा रहे थे तो एक दो तीन ऐसे लेयर प्लांट्स की बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, थी. अब इससे हुआ क्या इससे क्या हुआ अभी हम इसको डिस्कस करते हैं देखिए इससे हुआ क्या कि ये जो वेजिटेशन था आपका वेजिटेशन जो था आपका यानी जो ये प्लांट्स थे और उनके जितने भी डिफरेंट स्पीशीज थी वो सारी की सारी अब क्या है उस स्वयं में जा रही है दूसरी लेयर्स उनके ऊपर आ रही है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथी लेयर पांचवी लेयर छठी लेते करते, ले करते 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 बहुत लेयर्स बनती गई तो इसमें दो प्रोसेस स्टार्ट हुए पहला पहला प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ दैट इज नोन एज पीटिफिकेशन एंड उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ दैट इज नोन एज कोलिफिकेशन एनसीआर में कार्बोनाइजेशन लिखा हुआ है गलत है वो टर्म प्रूव करूंगा क्यों गलत है सो फॉलोड फॉलोड बाय बाय कोलिफिकेशन कोलिफिकेशन मैं अगेन कह रहा हूं नॉट सपोज टू यूज द टर्म कार्बोनाइजेशन मैं फिर से बता रहा हूं ठीक है तो पीटिफिकेशन होता है अब पीटिफिकेशन में क्या हुआ बेटा पीटिफिकेशन में यह हुआ कि जो आपका डेड वेजिटेशन जितना भी था ठीक है ना ये जो वेजिटेशन है जितना भी है अब इसके अब इसके ऊपर लेयर्स बनती जा रही लेयर्स लेयर्स बनती बनती जा जा रही रही है तो इस पीटिफिकेशन प्रोसेस में हुआ क्या कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एच टी एचपी का मतलब है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इनका क्या हुआ इनका डिग्रेडेशन हुआ या इनका डिकॉम्पोजिशन हुआ ठीक है बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया एन मतलब इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना जिसको कुछ लोग कहते हैं बैक्टीरिया भी कहते हैं है ना ये क्या बन गया ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया और ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर ही क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका पीटा बहुत लोग कहते हैं कि भैया कोल है ये कोल नहीं है ये आपका कोल नहीं है आपका वेजिटेशन और कोल के बीच का जो ट्रांजिएंट स्टेट है दैट इज बेसिकली नोन एज पीट ठीक है तो हुआ क्या कि पहला स्टेप होता है पीटिफिकेशन और उसके बाद होता है कोलिफिकेशन पीटिफिकेशन में क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में डिकम्पोजिशन होता है थ्रू एनोरोबिक बैक्टीरिया और यह सारा का सारा मैटर डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है यानी जो वेजिटेशन था डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज पीट के बाद होता क्या है ध्यान से सुनिएगा यहां पर ये यह डायग्राम हमारे लिए बहुत मदद करेगा यहां पर है हमारे पास मान लीजिए इसको मैं यूज लिख देता हूं दूसरे से ये मान लीजिए आपके पास अब आया पीट ठीक है अब जैसे जैसे ये लेयर्स में अगर अपन अंदर नीचे जाते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे ठीक है टेम्परेचर क्या होगा बेटा टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा सभी बच्चों को पता है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका प्रेशर बढ़ेगा ये तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इससे भी हो सकती है कि ये अर्थ की पहली लेयर है ये है है क्रस्ट फिर आती है आपकी मेंटल और फिर आती है कोर तो अगर आप क्रस्ट टू मेंटल टू कोर पे जा रहे हो तो नीचे जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ता है इसीलिए कोर आपका मोल्टन स्टेट में है और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो अर्थ का जो वेट है यानी जो क्रस्ट है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है उसका भी तो प्रेशर होगा बढ़ेगा ना हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एक तरीके से प्रेशर, तो और और तो प्रेशर अप्लाई करेगा लॉजिकल बात है तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं लिख देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन टेम्परेचर एंड प्रेशर ये तीन असेंशियल कंडीशंस की वजह से धीरे धीरे ये पीट किस में कन्वर्ट होने लगता है ये आपका कन्वर्ट होने लगता है कोल में और जिसमें आपके पास ये जो सबसे पहला कोल बनता है वो बनता है कौन सा वो बनता है आपके पास लिग्नाइट यहां तक आपके पास क्या है जोन जो है लिग्नाइट की जोन है उसके बाद आपके पास बनता है, उसके बाद आपके पास एंथ्रोसाइट बनता है और जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं मतलब कि जितना हम नीचे जाते जाएंगे वाटर का कंटेंट उतना कम होता जाएगा और कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा एच टू ओ का जो कंटेंट है घटता जाएगा कार्बन का कंटेंट इसमें बढ़ता जाएगा ठीक है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों ठीक है तो ये कोल का जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ये मैंने आपको बता दिया आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा है ना और इसको कार्बोनी फेरस एरा भी कहते हैं कार्बोनी फेरस एरा जो कोल फॉर्मेशन का एरा था इसको कार्बोनी फेरस एरा भी कहते हैं ठीक है थीके? तो तीन तरीके की जो कोल की क्वालिटीज अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आई होप आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखिए टाइप्स ऑफ कोल में सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है हमारे पास लिग्नाइट है ना लिग्नाइट का जो कलर होता है सुनील सर वो कौन सा होता है वो ब्राउन कलर का होता है और कार्बन कंटेंट होता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंटेज का सबसे आप कह सकते हो लो क्वालिटी का कोल कौन सा है लिग्नाइट है दूसरी बात कौन से कलर का ये देखिए ब्राउन कलर का लिग्नाइट आई होप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आगे चलते हैं थोड़ा सा बिटोमेनस कोल यह आपका कौन से कलर का होता है डार्क ब्लैक होता है या फिर आप ब्लैक होता है या फिर आप कह सकते हैं कि यह डार्क ब्राउन कलर का भी होता है ठीक है बिटोमेनस कोल सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाला कोल है इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड कोल जो घरों में इस्तेमाल होता था पहले वो ये कोल है हाउस होल्ड कोल है ठीक है और भारत सरकार आपको मना कर रही है कि भैया भाई, भाई आप कोयला या लकड़ी को यूज ना करें है ना उज्ज्वला स्कीम के थ्रू आपको कह रहे हैं कि भैया आप एलपीजी का यूज करें बहुत ही बेहतरीन स्कीम है मैं आपको एंड फ्लेम्स के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा अभी ठीक है कार्बन का परसेंटेज सत्तर से अस्सी परसेंटेज कार्बन होता है मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे है ना वक्त बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन की कमी है उतना ही कम वाटर कंटेंट होगा मतलब मॉइस्चर कंटेंट होगा कार्बन कंटेंट उतना बढ़ेगा उतना बेहतरीन क्वालिटी का कोल बनेगा ठीक है तो यह कौन से कलर का है यह आपको यहां पर नजर आ रहा होगा उसके बाद एंथ्रासाइड सबसे हाइएस्ट क्वालिटी का कोल सबसे हाइएस्ट क्वालिटी का कोल हाइएस्ट क्वालिटी का कोल हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अब क्वालिटी भी कैसे डिसाइड होती है क्वालिटी ऐसे डिसाइड होती है कि इससे आप हीट एनर्जी कितनी निकाल सकते हैं फेक वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी इसीलिए ठीक है ना तो इसका कलर क्या है शाइनी ब्लैक याद रखेंगे लस्ट्रस होता है चमकदार होता है ठीक है और कार्बन परसेंटेज होता है 92 92 टू तो 98 परसेंटेज आपको दिख रहा होगा इसका सरफेस क्या है बहुत बढ़िया शाइनी सा सरफेस है चमकदार सरफेस है दैट इज बेसिकली एंथ्रासाइट ठीक है सो so, लिग्नाइट हमें समझ में आ गया ब्राउन कलर का सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट कंटेंट है कार्बन का बेटोमेनस ब्लैक कलर का है डार्क ब्राउन कलर का सत्तर से अस्सी परसेंट एंथ्राइड शाइनिंग ब्लैक नाइन्टी टू टू नाइन एट परसेंटेज आपका कार्बन का कंटेंट होता है तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सुनील सर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों को और हमने क्या पढ़ा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ा उसके टाइप्स पढ़े ठीक है बेटा आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा आ जाओ बच्चों आ जाओ अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में बहुत ही भौकाली कंसेप्ट है और बहुत भौकाली तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों हाथ में पानी लेके बैठो थोड़ी किशमिश विशमिश खाने पीने का लेके बैठा करो स्क्रीन पॉज करो थोड़ा खाओ पानी वानी पियो मस्त दिमाग को रेस्ट देते देते दे 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 पढ़ना है एंजॉय करना है है ना साइंस को अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो आप रट रहे हो चलिए डिस्ट्रक्ट डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है सुनील सर सुनिएगा बहुत ध्यान से देखिए बेटा अब यहां पे टर्म आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है दिस इज बेसिकली आप बोल सकते हैं दिस इज इसका एरो थोड़ा डायरेक्शन मैंने उल्टा लगा दिया इसको इधर लगाते हैं सो so, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज बेसिकली टाइप ऑफ पायरो पायरोलाइसिस दिस पायरोनाइजेशन अब यहां पर आपकी एनसीआरटी कंफ्यूज है लेकिन मैं आपको करेक्ट कंसेप्ट दूंगा कि यहां पर कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है एनसीआरटी कहती है कि द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन इन करेक्ट है प्रोसेस भले ही सेम है लेकिन क्वालिफिकेशन और कार्बोनाइजेशन डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना मेरी बात को तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है बेटा एक टाइप है पायरोलिसिस का जिसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं अब पायरोलाइसिस में जो टर्म्स है ये पायरो इस पायरो का मतलब होता है हीट और लाइसिस का मतलब क्या होता है लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या फिर सेपरेशन ठीक है हीट एंड ब्रेकडाउन अब पायरोलाइसिस का मतलब क्या है कि मतलब हीट के प्रेजेंस में अगर, अगर अपन किसी चीज को तोड़ते हैं तो वह पायरोलाइसिस है और कंडीशन पर क्या है सबसे असेंशियल कंडीशन है कि ये जो आपका फुलफिल होगा, एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन में आप इसको करते हैं ठीक है तो पहली चीज पायरल इसे समझ में आ गया कार्बोनाइजेशन समझ में आ गया अब यह है क्या एक्चुअली थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा होता क्या है बेटा कि जब आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है ध्यान से सुनिएगा ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है दैट इज ऑप्टेन इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एंड दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज बेसिकली नोन एज एन ऑर्गेनिक मैटर तो अब इस ऑर्गेनिक मैटर को अगर मैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूं ध्यान से सुनना ऑर्गेनिक मैटर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूं और इसमें से वॉलेटाइल इंप्योरिटीजाइल मतलब कि जो वेपर में इजीली कन्वर्ट होकर निकल जाए तो वोलेटाइल चीजें निकल जाए और सिर्फ कार्बन रिच चीज रह जाए सो दैट इज बेसिकली नोन एज पायरोलिसिस और इसको कार्बनाइजेशन भी कहते हैं तो अब आप कहोगे कोल में भी तो यही हो रहा था सुनील सर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो धीरे 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 कार्बन रिच चीज में कन्वर्ट हो रहा था और बाकी चीजें उड़ जा रही थी बिल्कुल बेटा लेकिन वो कोलिफिकेशन है कोलिफिकेशन का जो स्पीड ऑफ प्रोसेस है स्लो का है कार्बोनाइजेशन का स्पीड ऑफ प्रोसेस हाई है अगर हम बात करें कार्बोनाइजेशन की तो एनसीआरटी कंफ्यूज है बेटा स्पीड ऑफ प्रोसेस स्पीड ऑफ प्रोसेस जो है वो क्या है वो है फास्ट लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन का आपका जो स्पीड ऑफ प्रोसेस है दिस स्पीड ऑफ प्रोसेस दैट इज बेसिकली स्लो ठीक है यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया कि कार्बोनाइजेशन और क्वालिफिकेशन दोनों के अंदर हो क्या रहा है कि किसी ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन हो रहा है टू कार्बन रिच सब्सटेंस वॉलिटाइल चीजें निकल जा रही है लेकिन कार्बोनाइजेशन में आपको हीट देना पड़ता है स्पीड ऑफ प्रोसेस फास्ट है क्वालिफिकेशन नेचुरल प्रोसेस है स्पीड ऑफ प्रोसेस स्लो है क्लियर हो गया कार्बोनाइजेशन एंड क्वालिफिकेशन अब एनसीईआरटी वाले गलत यूज करते हैं तो करने दो लेकिन तुम सही यूज करो इफ एनसीईआरटी इज यूजिंग द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी ऑफ कार्बोनाइजेशन प्लीज डोंट यूज इट यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज क्वालिफिकेशन एंड टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम क्लियर चलो अब होगा क्या यहां पे मतलब हमें समझ में आ गया है कि हम जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करें तो कोल तो ऑर्गेनिक मैटर है इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे वॉलेटाइल चीज रह जाएगी कार्बन रिच चीज पीछे रह जाएगी यही इस प्रोसेस में होता है यही इसमें होता है देखो तुमने यहां पर कोल लिया ठीक है प्रिफरेबली कौन सा कोल लिया जा रहा है बिटुमिनस कोल बिटुमिनस कोल ले लिया हमने ठीक है पाउडर के फॉर्म में इसलिए लिया है पल्वराइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ठीक है है अब मैंने यहां यहां से से हीट करना स्टार्ट किया होगा पता है क्या जो चीजें हैं वो उड़ के बाहर जाएंगी वॉलेटाइल चीजें उड़ के बाहर निकल जाएगी फिर से बना देता हूं बढ़िया तरीके से बढ़िया कलर से ये वॉलेटाइल चीजें वॉलेटाइल मतलब जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है तुमने इस कोल को हीट किया वॉलेटाइल चीजें इसमें से निकल गई यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है सेटअप के अंदर इस टेस्ट्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन हमने पूरा बंद कर रखा है इसको यहां से कनेक्ट कर रखा है डिलीवरी ट्यूब यह डिलीवरी ट्यूब है क्या है ये ये डिलीवरी ट्यूब हमने लगा रखी है टू अ कॉनिकल फ्लास्क दैट वाटर तो यहां से डिलीवरी ट्यूब से जो वॉलीटाइल जो भी इंप्योरिटीज थी वो निकल के यहां चली जाएगी अब यहां पर क्या बचेगा सुनील सर यहां पर आपका जो लेफ्ट ओवर है दैट इज बेसिकली नोन एज दैट इज नोन एस ये कार्बन रिच कार्बन रिच रेसिड्यू जो आपका बचेगा इसको अपन कहते हैं कोक क्या बोलते हैं अरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों को क्या बचेगा बचेगा कोक तो यहां पर हमने ऑर्गेनिक मैटर जो कोल्ड था उसको हीट किया वॉलेटाइल इंप्योरिटीज निकल गई यानी वॉलेटाइल सब्सटांसिस निकल गए कार्बन रिच सब्सटांस पीछे रह जाएगा कोक अब यहां से जारी है अब इस वेपर थोड़ी सी वेपर यहां पर क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच आर नोन एस गैस कार्बन गैस कार्बन के पार्टिकल्स बन जाएंगे ये वेपर्स क्या हाँ आ जाएगा कंडेंस हो जाएगी कुछ पार्टिकल्स यहां पर समझाएंगे पार्टिकल्स ऑफ गैस कार्बन ये फर्दर यहां से ये जो बाकी इंप्योरिटीज है यानी जो वॉलेटाइल चीजें हैं वो उड़ के सीधा पानी में जाएगी ठीक है अब पानी में जाएगी तो यहां पे दो लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी एक तो अमोनिया लिकर की देखने के लिए मिलेगी दैट इज नोन एज एन एच फोर ओ एच ठीक है दैट इज बींग फोर्म एन एन एच थ्री इज डिजोल्व इन वॉटर तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आपकी अमोनिया पानी में डिजोल्व होगी तो आपको यह मिलेगा ठीक है अमोनिकल लेकर और नीचे वाली जो लेयर है यह किसकी बनेगी यह बनेगी कोल टार की किसकी बनेगी कोल टार की अब यह जो कोल टार है, है ना दिस इज बेसिकली अ ब्लैक विस्कस लिक्विड यह क्या है आपका ये आपका ब्लैक विस्कस लिक्विड है कोल्टार ये नीचे लेयर बना लेगा ऊपर वाली लेयर अमोनिकल लिकर की होगी अब बची हुई जो गैसेस है जो कि इसमें यहां से आई थी लेकिन वो रिएक्ट नहीं की या डिजोल्व नहीं हुई वो यहां से निकल जाएगी और यहां बनेगा हमारे पास क्या यहां हमारे पास बनेगा कोल गैस क्या बनेगा कोल गैस और कोल गैस किसका मिक्सर होती है कोल गैस आपका मिक्सर होती है मीथेन का प्लस हाइड्रोजन का प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का ठीक है प्यारे बच्चों तो ये प्रोडक्ट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे सुनील सर प्रोडक्ट्स को एक बार बता दीजिए पहला प्रोडक्ट आपको मिला क्या थोड़ा अच्छे से लिखते ताकि नजर आ जाए पहला प्रोडक्ट आपको क्या मिला बेटा पहला प्रोडक्ट मिला कोक दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला गैस कार्बन तीसरा प्रोडक्ट क्या मिला अमोनिकल लिकर चौथा प्रोडक्ट क्या मिला कोलटार और पांचवा प्रोडक्ट क्या मिला कोल गैस मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे कोल लिया ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट चीजें बाहर निकल गई कार्बन रिच रेसिड्यू रह गया कार्बन रिच रेसिड्यू था कोक ये इंप्योरिटीज यहां से निकली जो वॉलेटाइल थी यहां पर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच आर नोन एज गैस कार्बन ये डिलीवरी ट्यूब से कॉनिकल फ्लास्ट में गया जहां पानी था ऊपर बनेगा मोनिकल लेकर डेंसर पार्ट जो है नीचे वो बनेगा कोल कोल टार दैट इज बेसिकली ब्लैक विस्कस लिक्विड जो अनरिएक्टिव मतलब जो रिमेनिंग गैसे थी जिन्होंने इससे डिजोल्व नहीं किया रिएक्ट नहीं किया वो बन जाएगी कोल गैस दैट इज मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड का मिक्सचर दैट इज नोन एज कोल गैस तो पांच चीजें मिली हमें और हमें यहां पे सारी चीजों का डिफरेंसेस अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है तो अब हमें पता है कि हमें कार्बोनाइजेशन का यूज करना है और कोलिफिकेशन का यूज करना है तो बढ़िया से एक बार बोलेंगे भारत माता की जय ठीक है सभी को समझ में आ गया अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा आ रहा है तो दिल से एक बार स्क्रीन स्टॉप करके जोर से ताली बजाएंगे बढ़िया से ठीक है चलो धूम मचाते हैं आ जाओ हमारे साथ पढ़ोगे तो धूम ही मचाओगे बेटा अब देखो इसको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं ठीक है इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग सारे के सारे बच्चे ठीक है तो ये आपके पास ग्लास ट्यूब थी आपने कोल लिया था ऑर्गेनिक बैटर इन ट्यूब आपने इसको बढ़िया से क्या किया हीट करेंगे दूसरी वाली के अंदर आपके पास वॉटर है एक टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू अनदर टेस्ट ट्यूब तो डिलीवरी ट्यूब हीट किया देखिए ऑर्गेनिक मैटर के अंदर से ये वॉलेटाइल वेपर्स आपकी यानी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस निकल गए या आएगा रिएक्ट करेगा ठीक है समझ रहे हैं सारे बच्चे तो नीचे वाली इज बेसिकली स्कोलटार और ऊपर वाली जो लेयर बनेगी बच्चों वो क्या कहलाएगी अमोनिकल लिकर ठीक है चलिए अमोनिकल लिकर एंड कोलटार है ना बच्चों तब समझा चुका हूं मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए है बचावा जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली एज कोल गैस और यहां पर ऑर्गेनिक मैटर में से अगर वॉलेटाइल चीजें निकल गई तो रेसिड्यू जो बचेगा कार्बन रिच रेसिड्यू दैट इज बेसिकली नोन एज कोक तो सुनील सर आपने रिवाइज भी भी करवा दिया हमको मजा आ गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो नाउ लेट्स प्रैक्टिस एंड लेट्स रेज आर नॉलेज ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑप्टेन ऑन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल मतलब जो जो प्रोडक्ट बेटा भी निकले हैं ना उनके यूजेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं थोड़ा अपना नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं आ जाओ सो डैश इज अ ब्लैक एंड पोरस फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज फॉर द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स ठीक है स्क्रीन को पॉज करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे चलिए आइए क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक एंड पोरस फॉर्म ऑफ कार्बन देखिए ब्लैक मतलब काला पोरस का मतलब होता है हैविंग होल्स हैविंग होल्ड्स ठीक है इज़ यूज फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स अब कोल गैस तो क्या गैस फॉर्म में तो सॉलिड तो होगी नहीं पेट्रोलियम नहीं होगा सॉलिड फॉर्म में अमोनिकल लेकर नहीं बचा क्या है कोक यही होगा कोल को जब आपने हीट किया था तो उसमें से वॉलेटल इंप्योरिटी निकली तो बचे हुए सब्सट में से गैसे चीज निकल गई तो पोरस हो गया ना मतलब एक सॉलिड सब्सटान था उसमें से चीजें निकल गई तो होल्स कुछ क्रिएट करके निकली होगी है ना तो पोरस बन जाता है वो ब्लैक पोरस सब्सटांस जो है आपका दैट इज बेसिकली नोन एस कोल कोक ये क्या कहलाता है दैट इज बेसिकली नोन एज कोक ये रहा आपका कोक है ना अब ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ यूज होता है मतलब देखिए बेटा क्या होता है आपको आगे चल के मैं क्लास टेन में मेटलर्जी पढ़ाऊंगा वहां पे बहुत काम आएगा होता क्या है आपका जो मेटल ऑक्साइड है ठीक है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड से हमको अगर मेटल पे जाना है ठीक है और फिर हम उसका प्योरिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं कोक को जैसे मान लीजिए जिंक का ऑक्साइड है मैंने यूज किया कार्बन यह बना देगा जेड एन प्लस सीओ तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है जिंक मिल जा रहा है ठीक है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके कोक का ठीक है बेटा चलिए अगले क्वेश्चन की दौड़ पे करेक्ट आंसर कोक आगे दौड़ते हैं ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल सम कार्बन प्रेजेंट इन वेपर सॉलिडिफाइज नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब एंड इज कॉल्ड पॉज कीजिए आंसर करने की कोशिश कीजिए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सभी को पता है कि कोल गैस टार नहीं होगा कोल गैस नहीं होगा अमोनिकल लेकर नहीं होगा गैस कार्बन होगा मैंने आपको बता दिया था आगे चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पॉज करेंगे आंसर करेंगे नेफ्थलीन बॉल्स दैट आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम ये आपको नेफ्थलीन बॉल्स नजर आ रही होगी ये आपकी नेफ्थलीन बॉल्स है बेटा है ना तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स है ये आपको किससे मिलती है आर दीज ऑपटेन फ्रॉम कोल गैस नो कोक नो कोल टार यस टारोनिकल लिकर नो तो कहां से मिलती है भाई ये हमको मिलती है कोल टार से ठीक है अब देखो यार कोल टार जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये कोल टार जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है ठीक है बिकॉज इससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे मैं पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी आप लोगों को तो जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो इससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे एन नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स यूजफुल प्रोडक्ट्स आपको इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं फर्दर यूज कर सकते हैं अच्छा एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं दिस इज यूज टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर्स ये स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाता है यूज टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर्स ठीक है जैसे आपका डेंड्रफ वगैरह भी है ना तो डेंड्रफ वगैरह के लिए भी आप कोल्टार को यूज कर सकते हैं मतलब अच्छा है, तो को यूज कर सकते हैं ठीक है स्किन डिसऑर्डर्स में अपन यूज करते हैं इसको तो यहां तक की कथा आई होप सभी को क्लियर है सारे प्यारे बच्चों को क्लियर है तो एक बार जोर से बजाएंगे ताली और बोलेंगे जय जय फिजिक्स वाला ठीक है चलो सोच रहे होंगे कैसा टीचर है यार तालियां बजवा रहा है तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हो तुम क्योंकि तुम कुछ नया सीख रहे हो अगर तुम कुछ नया सीख रहे, रहे हो कुछ बेहतरीन सीख रहे हो तो तुम कहां पर हो प्यारे बच्चों फिजिक्स वाला पे हो ठीक है चलो अब क्या बात करेंगे सुनील सर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाऊंगा ध्यान से सुनना मजा आ, आ जाएगा आ जाओ देखो बेटा सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कोल कहां से मिला था आपको वेजिटेशन डेड वेजिटेशन से बनता है ये आपको डेड ऑर्गेनिज्म से मिले तो क्या बोला जाता है कि 300 से 400 मिलियन ईयरस पहले ओशंस के अंदर क्या हुआ कि जो सी प्लांट्स अब यहां पर सुनील सर हम क्या प्लांट्स को कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल प्लांट्स की बात करेंगे एनिमल्स की बात भी करेंगे ठीक है कोल के केस में ओनली आपके पास वेजिटेशन पेट्रोलियम केस में प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों थे तो यह माना जाता है कि जो या जो टाइनी प्लांट्स या आपके एनिमल्स थे तो जब वो उनकी डेथ यानी जब वो मरे तो आप कि मरेंगे तो क्या होगा वो सिंक करके क्या करेंगे बॉटम पे चले जाएंगे अब वो सिंक करके जब सी बेड की तरफ चले गए उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी अब ऐसा तो नहीं कि बॉडी पड़ी रहेगी उस पर धीरे धीरे मिट्टी सिल्ट विल्ट चढ़ता जाएगा अब वो सिल्ट का जो लेयर है वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया अब इससे होगा क्या कि यहां पर यह कंडीशन जनरेट हो जाएगी कि एक तो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन है फिर से वही कंडीशन जनरेट होगी उसके बाद हाई टेम्परेचर और आपका हाई प्रेशर इस वजह से क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो गए इन ऑर्गेनिक मैटर्स यानी ऑर्गेनिक मैटर कौन सा था नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए ठीक है सो ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स द वर बेर डीपर एंड डीपर एंड प्रेशर टर्न डेम इनटू ऑयल एंड गैस ये तो और सिल्ट की चढ़ी इनके ऊपर तो वही प्रेशर जनरेट हुआ क्योंकि पानी तो था ही था ऊपर से इनका भी प्रेशर जनरेट हो रहा था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो इनका हुआ फिर क्या माना जाता है? माना जाता जाता है है कि यार उस पे वो जो सी है, जिनको बोलते हैं आपके वो सीज ड्राई अप हो गए ठीक है अब वो सी जो हो गए तो उस वजह से हुआ क्या कि वो जो सीज जो थे आपके ड्राई ना

प्रैक्टिस करते हैं आइए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पॉज कीजिए आंसर करने की कोशिश कीजिए तो देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द पोजिशन ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन इमेज तो यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रही है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आपके नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एक्स सबसे ऊपर है फिर हमारे पास है वाई और फिर हमारे पास है जी ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है ऑप्शन में गिवन है गैस वॉटर एंड पेट्रोलियम पेट्रोलियम वाटर एंड गैस गैस पेट्रोलियम एंड वाटर अच्छा तो हमें चीजें क्या, क्या क्या गिवन है गैस पेट्रोलियम एंड वॉटर गिवन है अब देखिए हमने बहुत पहले पढ़ा है कि जो डेंसिटी है ऑफ नेचुरल गैस मतलब ये गैस है तो गैस की जो डेंसिटी होगी वो फॉर श्योर sure आपकी लिक्विड से तो कमी होगी सो डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम का जो डेंसिटी होगा वो किससे कम होगा लेस देन द डेंसिटी ऑफ वॉटर इतना बेसिक चीज तो सभी को समझ में आ रहा होगा नेचुरल गैस सिलवा डेंसिटी पेट्रोलियम का सिलवा डेंसिटी वाटर का तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर और ये इमिसिबल लिक्विड्स है आपस में मिक्स नहीं करेंगे इसलिए सेपरेट लेयर बना देंगे ठीक है जैसे एसिटोन और वाटर लोगे तो मिक्स हो जाएंगे लेकिन ये ये जो तीनों है ये आपस में मिक्स नहीं होंगे तो पेट्रोलियम एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड ठीक है ऑल्सो गैस वो डिजोल्व इन पेट्रोलियम इसलिए सेपरेट लेयर बना देगी तो एक्स क्या होना चाहिए एक्स तो ये होना चाहिए वाई ये होना चाहिए और जी ये होना चाहिए तो एक्स वाई जेड आ गया एक्स वाई जेड एक्स पेट्रोलियम तो नहीं होगा एक्स नेचुरल गैस हो सकती है पेट्रोलियम जेड हाँ ये तो सही है ठीक है एक्स नेचुरल गैस वाटर नहीं 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 ये तो ठीक है ये गलत है ये भी गलत हो गया ठीक है तो ये सारे ऑप्शंस गलत है करेक्ट आंसर आपके पास क्या है करेक्ट आंसर ठीक है आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है क्लियर आ आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ठीक है स्क्रीन को पॉज कर दीजिए आंसर करने की कोशिश करिए आइए एनालाइज करते हैं सो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप गलत देखिए आपकी जो नेचुरल गैस है अच्छा नेचुरल गैस किसका मिक्सचर होता है सुनील सर नेचुरल गैस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेचुरल गैस जो है बेटा वो किस, -किस का मिक्सचर है नेचुरल गैस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ आपका मीथेन, इथेन प्रोपेन एंड बुटेन इसका मिक्सर होता है और जिसके अंदर से इसमें मेजर कंसेंट्रेशन किसका है इसका है मेजर कंसेंट्रेशन किसका है मेजर कंसेंट्रेशन आपके मीथेन का है मेजर कंसंट्रेशन ठीक है अब ये नेचुरल गैस के लिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप गलत बात है ना भाई इट इज इजी इजी टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप अगर ये होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता दूसरा द डिसडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दिट इट नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द बर्निंग एज होम्स गलत इट कैन बी यूज इट कैन बी यूज और बहुत सारी सिटीज में तो पाइपलाइंस होती है ना सीएनजी की वडोदरा वगैरह में भी तो है पाइपलाइन की सीएनजी की डायरेक्ट पाइपलाइन से घर में लगाओ आग जलाओ मस्त यूज करो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत ही नहीं है अपने नोएडा में लगी हुई है क्या है कोई दिक्कत नहीं चलाते हैं लोग नेचुरल इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये बिल्कुल सही पॉइंट है ठीक है नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन गलत इट कैन बी यूज्ड इट कैन बी यूज करेक्ट टर्म क्या होता इट कैन बी यूज ठीक है तो ये सारी स्टेटमेंट गलत है सिर्फ सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है आई होप मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को दिल के सच्चों को बात समझ में आ गई होगी ठीक है चले बेटा आगे चले प्यारे बच्चों आगे चले यहां तक बात समझ में आ गई सभी को चलो करेक्ट आंसर आगे चलो सुनील सर बहुत भौकाली चीज भौकाल एट नेक्स्ट लेवल क्या है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक फॉर्मेशन भौकाल मचा देंगे बेटा ये चीज पढ़ के किसी किताब में नहीं मिलेगा किसी रिफ्रेशर में नहीं मिलेगा देख लेना जाके मैच कर लेना ठीक है आ जाओ पहला सबसे पहला स्टेप क्या है यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है सबसे पहला स्टेप ठीक है भाई सबसे पहला स्टेप क्या एक्सट्रेक्शन ऑफ क्रूड ऑइल मतलब आपके जो आपके पास जो, 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 जो रॉक्स है जिसके बीच में आपके पास और नेचुरल गैस और ऑयल नेचुरल गैस और, और पेट्रोलियम है तो सबसे पहला काम तो ये कि खींच के उसको बाहर निकालना है एक्सट्रैक्ट करना उसको है ना अब ये कौन सा मैकेनिज्म क्रैंक क्रैंकशार्ट मैकेनिज्म क्यों यूज होता है ये सब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या हमारा एक्सट्रक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल हमने उसको निकाल दिया ठीक है अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे आफ्टर एक्सट्रैक्शन वी विल ट्रांसपोर्ट हम इसको कहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे फॉर रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल ठीक है तो पहला स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेकेंड स्टेप प्यारे बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल या इसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है तो भाई बहुत कीमती है इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए इसे बोला जाता है काला है लेकिन गोल्ड के जैसा है इसलिए काला गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत वैल्यूएबल है दैट्स इज नोन एज ब्लैक गोल्ड तो दूसरा स्टेप इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और दी क्रूड ऑयल और दी ब्लैक गोल्ड और रिफाइनिंग को हम और क्या बोल सकते हैं रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल भी कहा जाता है ठीक है क्या होता है सुनील सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल देखिए बेटा जैसे ही आपका यहां से क्रूड ऑयल है आप सबसे पहले आपने क्या किया एक्सट्रैक्ट किया ट्रांसपोर्ट करके आप रिफाइनरी तक लाए इस क्रूड ऑयल को सबसे पहले फर्नेस में डाला जाता है कहां पे डाला जाता है फर्नेस में डाला जाता है और फर्नेस में इसको हीट करके यहां पर किस में कन्वर्ट किया जाएगा ये आपका जो बनेगा दैट इज बेसिकली नोन एज वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम अब ऐसा क्यों होता है बेटा यह भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना एक एक चीज को क्रूड ऑयल आया फर्नेस में डाला हीट करके उसकी वेपर्स बना दी ऐसा इसीलिए किया हमने क्योंकि जो पेट्रोलियम है बेटा दैट इज अचर ऑफ अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन और उन जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो हमें सेपरेटली यूज करने तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा तो उसको सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये पूरी टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या होता है इसके अंदर समझाइए सुनील सर यहां पर सेपरेशन टेक्निक है ये ध्यान से सुनेंगे बहुत ध्यान से सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाके एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिफरेंस बिटवीन इज़ लेस देन मतलब इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कन्वर्ट होता है ठीक है अभी अगर हम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है ठीक mm तो तो है तो वन एटीएम प्रेशर पर बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है लेस देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ठीक है बात समझ में आ रही है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बेटा वो हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनका डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा यहां पे भी पता चलेगा ठीक है अब एक और चीज आप बता दीजिए सुनील सर तो हमें और क्लैरिटी आएगी देखिए बेटा क्या होता है आपका जो लिक्विड है बेटा लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड ये तो आप जब हीट करेंगे और यहां पर आप इसको कूल करेंगे ठीक है लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा गैस को आप कूल cool करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा टेक्निकली देखूं तो यहां पे मुझे वेपर लिखना चाहिए ठीक है क्यों वेपर लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा नेचुरली वो है क्या है फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा एंड वेपर इज अ टाइप ऑफ गैस तो आपने हीट किया और कूल किया अब देखिए जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है दैट इज बेसिकली नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट बहुत याद करिए चीजें एकदम ध्यान से समझिए कंडेंसेशन पॉइंट और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका वेपर में जाता है ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट मजे की बात है जिस टेम्परेचर पे दोनों होते हैं वो सेम होता है जैसे पानी अगर वेपर में जा रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही वेपर में जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ही उसका कन्वर्जन लिक्विड में स्टार्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट आपके हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं ये भी याद कर लीजिए ठीक है अब सुनील सर पेट्रोलियम हम हमें समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजों का मिक्सर है और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो लेस देन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है इसीलिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हो बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही बात है तो यहां पर ये जो कॉलम यूज किया ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है कौन सा कॉलम है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये वाला अब देखो बेटा यहां पर होगा क्या इस वाले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा जैसे ही हमने पेट्रोलियम को हीट किया ये वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा अब वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम में ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जैसे ही ये वेपर्स आपकी यहां पर ट्रेवल करना चालू करेगी तो नीचे से ऊपर तक जैसे जैसे जाती जाएगी तो इसका जो टेंपरेचर है वो घटता जाएगा क्यों घटेगा इसके पीछे काइनेटिक थ्योरी के बारे में भी हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ काइनेटिक एनर्जी जो वो यूज होती जा रही है वो कम हो जाएगी तो हीट कंटेंट कम है टेम्परेचर कम है वो सारी चीजें हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो टेपरेचर लो हो जाएगा तो जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर जाती जाएगी तो आपका जो टेम्परेचर है टेंपरेचर जो है वो लोअर डाउन होता जाएगा जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाओगे नीचे से ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे, जाते जाते जाओगे 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 अब होगा क्या मान लो कि जैसे मान लो पैराफिन को टेम्परेचर चाहिए 220 डिग्री बीस डिग्री कंडेंसेशन पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है 220 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है एग्जांपल लेते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो ये जैसे ही नीचे से ऊपर रहेंगे मान लो ये हजार डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोलियम पे की वेपर्स थी ये नीचे से जैसे ही ऊपर जा रही है तो इनका टेंपरेचर लोअर डाउन होता जा रहा है जैसे ही 220 पे आएगी तो पैराफिन बोलेगा भाई मेरा तो हो गया कन्वर्जन हो गया मैं तो लिक्विड बन गया तो तू इधर बाहर निकल जा डीजल बोलेगा भाई मैं तो दो से दो के बीच में कन्वर्ट हो जाता हूं तो भाई तू उधर बाहर निकल जा ऐसे धीरे धीरे सारे के सारे इन डिफरेंट फ्रैक्शन बाहर जाते जाएंगे क्योंकि सबका जो कंडेंसेशन पॉइंट है जिसपे वो गैस से लिक्विड में आ रहे हैं वो अलग अलग है कुछ जो ऊपर आएंगे वो तो बिल्कुल कंप्लीटली गैस होंगी इतना टेम्परेचर अटेन नहीं हो पा रहा है इतना लो टेपरेचर हम ले नहीं आ पा रहे तो गैस में निकल जाएगी ये गैसोलीन है है पैराफिन है डीजल है फ्यूल आगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल तो ऊपर वाले गैस है फिर लिक्विड और नीचे वाले बिल्कुल सॉलिड होंगे जैसी गई इसको चीज साढ़े तीन सौ अपने हजार डिग्री सेल्सियस पे दी इसका साढ़े तीन सौ आगे बढ़िया अपना सीधा कंडेंस हो गया सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया मतलब कूलिंग हो गई एक तरीके से सॉलिडिफिकेशन हो गया ये लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट लिक्विड से लिक्विड सीधा गैस स्टेट तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर घटता जा रहा है हजार डिग्रीचर था इसका कंडेंसेशन पॉइंट तीन सौ था यह कन्वर्ट हो गया इसका मान लो एक ये कन्वर्ट हो गया तो इस तरीके से जिस जिसका टेम्परेचर आता जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी या अगर नहीं हो रही तो गैस में रहेगी और हेरा होगी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर फर्दर आपके अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट हो जाएंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और क्रूडल ब्लैक गोल्ड और इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम समझ में आ गया अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है ठीक है कि हमें नेफ्था के साथ गेम खेलना है ठीक है सबका अलग अलग यूज है गैसोलीन गैस। आपका क्या होता है बेटा गैसोलीन ही आपका पेट्रोल होता है ठीक है गैसोलीन ही आपका पेट्रोल होता है इसको पेट्रोल भी कहते हैं आप गाड़ियों वगैरह में यूज कर रहे हैं नेफ्ता से हम लोग क्या बनाएंगे यहां से हम लोग बनाएंगे क्या हमारा प्लास्टिक बनेगा यहां से ठीक है फिर बिटोमेन है आपकी रोड बनाने के लिए जो आप डामर जिसको बोलते हो अस्फाल्ट ये रोड बनाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका लुब्रिकेशन के लिए यूज होगा फ्यूल ऑयल आपका पावर जनरेशन में यूज हो रहा है डीजल हैवी व्हीकल्स में यूज होता है पैराफिन पैराफिन से आपके पास जो कैंडल वैक्स बनती है यह जेट प्लेन के फ्यूल की तरह यूज किया जाता है दैट इज कैरोसिन है ना तो ये सारी चीजें आपके पास है तो इनके कुछ यूजेस हम फटाफट से देख लेते हैं कि भाई पेट्रोलियम गैस इन द लिक्विड फॉर्म दैट इज एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री है ना इसमें मेजरली आपके पास क्या होता है ये मेजरली आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सर है है ना पेट्रोल जिसको आप लोग क्या कहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं गैसोलीन ये मोटर फ्यूल एविएशन फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है केरोसिन जेट एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है है ना या फिर आप लैंप ब्लैक जब बनाते हैं काजल वगैरह बनानी होती है तो कैरोसिन का डिकम्पोजिशन करा के बनाया जाता है लैंप्स में भी जो होते थे पहले के लालटेन होते थे उसमें फ्यूल यूज उस किया जाता था डीजल दिस इज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन पर्पजेज ऑफ मशीन पैराफिन वैक्स आपके कैंडल्स बनाने के लिए ऑइंटमेंट बनाने के लिए वैसलीन ये सब क्या है पैराफिन वैक्स है है ना बिटुमेन या जिसको हम लोग बोलते हैं एसफॉल्ट जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं क्या डामर ठीक है रोड बनाने के काम में आता है आपने देखा होगा जो काला काला डामर लगाते हैं उसमें ग्रेन्यूस डालते हैं फिर उससे रोलर आके उसको चपटा कर देते हैं वो डामर की है ठीक है ना वो कोल्टार नहीं होता दा, डामर होता है बिटोमिन एसफॉल्ट बोलते हैं जिसको ये आपका हो गया तो ये सारे यूजेस मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको बता दिया अब इंपॉर्टेंट बात क्या है पहला एक्सट्रैक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन हुआ दूसरा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हुआ वहां से मुझे नेफ्टा चाहिए था क्योंकि मुझे प्लास्टिक बनाना है नेफ्ता मैं ले लेता हूं और मैं थर्ड स्टेप पे भागता हूं जो मेरा क्या है क्रैकिंग ऑफ नेफ्ता है क्रैकिंग का मतलब क्या होता है बिल्कुल ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से समझिएगा अब ये नेफ्ता कौन सी स्टेट पे होता है सुनील सर लिक्विड स्टेट में होता है ये नेफ्ता होता क्या है सुनील सर ये C5 से लेके C10 टेन हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है मतलब पांच से लेकर दस हा, हा, कार्बन हो सकते हैं एंड दैट आर बेसिकली अटैच टू हाइड्रोजन दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन उसकी चेन होती है दैट इज इन लिक्विड स्टेट अब होगा क्या इसकी क्रैकिंग करवानी है क्रैकिंग का मतलब क्या होता है जैसे पायरोलिसिस आपका था ना थर्मल डीकम्पोजिशन हीट देके तोड़ना ऐसे ही क्रैकिंग भी क्या है आपका इसको बोलते हैं बेटा क्रैकिंग या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या है सुनील सर मतलब समझाइए इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज को हीट करके तोड़े ठीक है हीट करके तोड़े तो दैट इज बेसिकली नोन एज क्रैकिंग या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन तो अगर मैं नफ्टा को हीट करके तोड़ूंगा तो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी जैसे मान लीजिए इसको अगर मैंने हीट किया तो इसके दो तरीके हो सकते हैं इसके दो तरीके हो सकते हैं क्रैकिंग करने के एक तो होती है स्टीम क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूं बेटा मैं जो कहीं मिलेगी नहीं आपको ध्यान से सुनना और एक होती है कैटेलिटिक क्रैकिंग ठीक है इसमें तो कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो कि लो टेम्परेचर पर भी चीजों को तोड़ देता है इंपॉर्टेंट नहीं है स्टीम क्रैकिंग क्या है स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि पानी इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है ना तो दैट इज बेसिकली स्टीम अब वो स्टीम क्या करती है आपके नेफता को तोड़ती है क्या करती है तोड़ती है तो मान लीजिए कि अगर मेरा जो नेफता है इसका स्टीम क्रैकिंग होगा जैसे ये जो आपका नेफता है अगर इसका स्टीम क्रैकिंग होगा तो आपको क्या मिलेगा आपको यहां पर क्या मिलने वाला है आपको यहां पर मिलेगा इथीन, यह जिसको इथाइलिन कहते हैं और आपको मिलेगा क्या यहां पे प्रोपीन मिलेगा जिनको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एल्किलिफिन ये भी हम लोग इनको बोलते हैं ठीक है तो नेफ्टा जो था लिक्विड स्टेट में था इसको अपन ने क्या कर दिया इसकी क्रैकिंग या भी थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग डीकंपोजिंग या आप कह सकते हैं ब्रेकिंग अ सब्सटेंस इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट ठीक है तो ये आपका बेटा क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन तो जो क्रैकिंग है थर्मल डीकंपोजिशन आपने हीट किया तो डिकम्पोज ब्रेकडाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्टीम क्रैकिंग में नैफता की अगर हमने स्टीम क्रैकिंग कराई तो ये इथीन या प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा इसका एक और तरीका भी होता है कुछ लोग इसको यही इथिन और प्रोपीन अगर मुझे बनाना है तो कुछ लोग क्या करते हैं नेचुरल गैस आपका मेजरली किसका कंपोजिशन है बेटा नेचुरल गैस जो है आपका किसका मिक्सचर है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यह आपका मीथेन, इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है तो अब यहां से अगर मैं इस नेचुरल गैस से अगर इन दोनों को ले लूं और फिर से इनका स्टीम क्रैकिंग कराऊं ठीक है अगर मैं इन दोनों का स्टीम क्रैकिंग कराता हूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा यही इथेन मिलेगा और प्रोपीन मिलेगा बस यही गेम है तो थर्ड प्रोसेस क्या है डेट इज ऑफ नैफ्ट या थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नैफ्ट ठीक है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे नेफ्ता की स्टीम क्रैकिंग कराएंगे तो अगर और है, तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए सुनील सर कैसे होगा एक एग्जाम्पल दे देता हूं मान लीजिए आपके पास है सी टेन एच ट्वेंटी टू यह आपके पास क्या है ने क्या किया हीट किया नेप्ता इज अ मिक्सचर ऑफ सी फाइव टू सी टेन मैंने सी टेन एक ले लिया एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए एल ठीक है अब ये टूट जाएगा सी थ्री एच सिक्स प्लस आपके पास ये टूट जाएगा सी सेवन एच सिक्सटीन में तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका हैप्टेन और ये आपका हो जाएगा प्रोपीन तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा तो थर्ड प्रोसेस इज बेसिकली दी क्रैकिंग ऑफ नेफ्ट ये आपका हीट करने पे टूटा प्रोपीन और एल्किन हेप्ते, में टूट गया अब मजे की बात क्या कार्बन मैच कर लो देखो सात और तीन दस हो गए सोलह और छह बाईस हो गए है ना तो बिल्कुल बैलेंस है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आई होप क्रैकिंग ऑफ नेफ्ता सारे के सारे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आएगा पहला स्टेप रिवाइज एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल क्रैकिंग ऑफ नेफ्ता ठीक है नेफ्ता तोड़ दिया हमने है ना रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने तोड़ दिया अब यहां से मुझे क्या मिला है मुझे मिला है इथिन और प्रोपीन इसके साथ में खेलूंगा गेम देखो ये स्टेप फोर कहलाता है जो कहलाता है मेरा क्या ये स्टेप फोर कहलाता है मेरा पॉलीमराइजेशन पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स को कंबाइन करेंगे है ना जैसे बीट बनाना सिखाई थी मैंने की अगर मोतियों की मैंने माला अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करी तो एक मोती मोनोमर है पूरी पूरी माला मोतियों की पॉलीमर है ना चलो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम करेंगे लिक्विफ करेंगे भाई देखो इथीन और प्रोपीन जो है उसका हम लोग क्या करेंगे जो आपके पास इथिन आया या आपके पास प्रोपीन आया इसका आप लोग क्या करेंगे लिक्विड करेंगे मतलब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है आप टेम्परेचर को घटाइए और प्रेशर को बढ़ाइए और दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से कभी भी नहीं होगा क्लास नाइन्थ में भी होता है सिर्फ प्रेशर बढ़ा कंप्रेस करके लिक्विड बनाएंगे कभी नहीं होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी कभी भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तो टेम्परेचर घटाना है और प्रेशर को बढ़ाना है इसका लॉजिक क्लास नौवीं में मैं आपको काइनेटिक थ्योरी में दूंगा कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे यहां पर जो आपके इथिन और प्रोपीन है यहां पर आप इसको क्या करेंगे कंप्रेसर में डालेंगे प्रेशर बढ़ेगा कूलर में आपका टेम्परेचर घटेगा यह फर्दर आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये आप ही कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड इथीन एंड लिक्विड प्रोपीन ठीक है इसको आप पॉलीमराइजेशन करवा देंगे मैं अगर सिर्फ इथीन का लेके चलता हूं तो मैं अगर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन करवाता हूं तो यह इथीन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करवा दूं, क्या करवा दूं? पॉलीमराइजेशन ठीक है तो इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करवा दूं, क्या करवाना है भैया पॉलीमराइजेशन तो ये क्या दे देगा मुझे ये मुझे दे देगा दे आपके पास ये दे देगा दे पॉलीथीन या पॉलीथाइलीन समझ में आ गई मेरी बात क्या दे देगा ये दे देगा पॉलीथीन या फिर जिसको हम कह सकते हैं पॉली पॉली ठीक है पौली, पौली सो पॉलीथीन या फिर पॉलीथाइलिन मुझे यहां से मिल जाएगा चौथा स्टेप आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि सुनील सर पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन तक तो हमें समझ में आ गया मजा आ गया सुनील सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लिक्विड तो फॉर्म में था पॉलीमराइजेशन करा दिया यहां पे मुझे मिल गया पॉलीथीन या फिर पॉली मुझे यहां पर अच्छी तरीके से मिल चुका है ठीक है ना मिल चुका है मोल्टन स्टेट में है लिक्विड स्टेट में है अभी अपन इसको चेंज करेंगे ठीक है तो क्या था सबसे पहले तो इसको लिक्विफाई किया लिक्विड स्टेट में लाए फिर पॉलीमराइजेशन कर दिया तो आपकी इथीन जो था वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो गया में सेम ही चीज है ठीक है और करके लिखा हुआ है दैट इज कंप्लीटली सेम आगे अब ये मोल्टन पॉलीथाइलीन को हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक्सट्रूडर में भेजेंगे तो इससे क्या होगा ये क्या प्रोसेस एक तरीके से जलेबी बना, बना रहे होते हैं एक ऐसे चीज के अंदर पकड़ते हैं अंदर वो मिक्सर होता है उसको ऐसे खींच के ऐसे बाहर निकालते हैं तो फॉर्मेट में बाहर आती है आप इस तरीके से मानिए बहुत ही सेमी सॉलिड फॉर्म में है ना होगी तो ये एक्सट्रूडर क्या करेगा उसको पॉलिथिन की स्ट्रिंग्स में बाहर निकाल देगा किस में निकाल देगा पॉलिथिन की स्ट्रिंग्स में बाहर निकाल देगा ठीक है थोड़ा हीटिंग होगा और फिर उसके खींचे और बाहर हो तो तो आती हुई नजर आ रही है ठीक है तो ये क्या है आपकी पॉलीथिन की स्ट्रिंग्स आ रही है ठीक है तो पांचवा प्रोसेस हो गया कि पॉलीथिन की स्ट्रिंग्स आ गई हमारे पास अब अगला प्रोसेस हमारे पास होता है ग्राइंडिंग करना अब हम इसको क्या करेंगे ग्राइंडर के अंदर डालेंगे ये जो आपके पास ग्राइंडर है इसके अंदर आप डाल देंगे तो पॉलीथीन की स्ट्रिंग्स हमारे पास आ गई हमने ग्राइंडर के अंदर डाल दिया और ये ग्राइंडर ने इसको ग्राइंड करके जो ये बनाया है ये प्लास्टिक पैलेट्स क्या कहलाते हैं बेटा ये आपके प्लास्टिक पैलेट्स क्या कहलाते हैं ये आपके प्लास्टिक पैलेट्स कहलाते हैं क्या नोडल क्या कहलाते हैं नोडल्स तो भाई पॉलीथीन की स्ट्रिंग्स को जब हमने ग्राइंडर में डाला वो ग्राइंड होकर प्लास्टिक पैलेट्स बना देगी या फिर नोडल्स बना देगी अब आप इन नोडल्स को क्या करेंगे आप करेंगे ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां पर टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज यू कैन ट्रांसपोर्ट देम टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आप इनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे है ना जिसको जो बनाना है किसी को बाल्टी बनानी है किसी को टॉय बनाना है किसी को बॉटल बनानी है कुछ भी बनाना है आप नर्डल्स ट्रांसफर करते हैं समझ में आ रही बात ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद इसको मेल्ट एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट उसको मेल्ट करती है फिर उससे जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट उनको बनाना है वो बना देते हैं तो आई होप आपको ये सारे प्रोसेस प्लास्टिक के बनाने के आ गए क्योंकि आप सुनील सर से पढ़ रहे तो आपको सब कुछ आता है तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम द सेकंड स्टेप वाज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम द थर्ड स्टेप वॉज क्रैकिंग ऑफ नैफ्ट फोर्थ स्टेप वॉज पॉलिमराइजेशन फिफ्थ स्टेप वॉज एक्सट्रूजन एंड दिक्स स्टेप वॉज ग्राइंडिंग आई होप सभी को यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से ये रहा क्वेश्चन तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे आंसर करने की कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को यहां पर इसका आंसर बताता हूं अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉलो टू मेक पॉलीथाइलीन या पॉलीथीन तो क्रूड ऑयल का एक्सप्रेक्शन करना है बिल्कुल सही थर्मल क्रैकिंग ऑफ नैफ्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं ये गलत हो गया क्रूड ऑयल एक्सप्रेक्शन करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे थर्मल क्रैकिंग करेंगे पॉलीमराइजेशन करेंगे ठीक है क्रूड ऑयल पॉलीमराइजेशन नहीं नहीं ये करेक्ट आंसर है क्रूड ऑयल का एक्सट्रक्शन करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है थर्मल क्रैकिंग और नफ्ट करना है पॉलीमराइजेशन करेंगे बिल्कुल सही है तो फर्स्ट स्टेप इज क्रूड ऑयल एक्सट्रेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेकंड सेकंड स्टेप 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 इज 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 थर्मल रिफाइनिंग ऑफ ऑफ पेट्रोलियम थर्ड क्रैकिंग से फोर्थ स्टेप इज पॉलीमराइजेशन फिफ्थ स्टेप इज एक्सट्रूजन एंड सिक्स्थ इज ग्राइंडिंग ठीक है इसके बाद हमें पेट्रोलियम से क्या मिलेगा मिलेगा प्लास्टिक चलिए तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है ल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड नेचुरल गैस से रिलेटेड जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती है मैंने आपको पढ़ाई है और उससे कई एनसीआरटी से कई गुना ऊपर लेवल पे तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप हर क्वेश्चन को फाइट कर पाएंगे ठीक है तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही ठीक है ट्राई करिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें एनसीईआरटी एक्साम्पल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन हो जाएगा आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना हर एक क्वेश्चन हो जाएगा और बस चलते बच्चा लोग अगली क्लास में मिले, मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत स्टे हेल्दी स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला